क्या चल रहा है, महेश केश वाला एके थगेश। देखते हैं आज कुछ फनी मीम्स। सॉरी गाइस, आज देखो मैं, मेरा ना मुंह आ गया है तो मैं थोड़ा तोतलाऊंगा। मुंह आ गया है, तुम लोगों को समझता है ना, मुंह आ गया है। हाँ, जीभ में मुंह आ गया है तो थोड़ा तोतलाऊंगा मैं। आईफोन का नेम कैसे आया ये आज पता चला हमें। आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? यस। अरे ये स्वामी जी, अरे यार, सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। ओके, पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। हाँ, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक्चुअल में आया था स्टीव जॉब्स यहाँ पे आया था। बहुत सारे लोग ये बाबा जी का मजाक उड़ा रहे इस चीज पे, लेकिन एक्चुअल में स्टीव जॉब्स आए थे नीम करोली बाबा के पास। उनको कुछ लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा था या उनको एनलाइटमेंट कुछ ऐसा चाहिए था, तो इंडिया आए थे और वहाँ गए थे। अब ये स्टोरी कितनी सच्ची है वो नहीं पता। संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरु जी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को, उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। मतलब ऐसा है कि आधी चीजें जो बोलते हैं वो सही होती है, लेकिन आधी कुछ भी होती है। मतलब जैसे ये नीम करोली बाबा वाली स्टोरी सही थी, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि वो एप्पल उनका पहले से था कंपनी, एंड उसमें आगे कैसे बढ़े वो उस खोज में आए थे वो। मी क्रिएटिंग माई ओन आंसर इन एग्जाम। ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊ। चलो आपका नाम बताओ, कितने अक्षर हैं आपके नाम में? तीन। तीन को चार, चार से गुणा करो कितना हुआ? थ्री फोर ट्वेल्व। तीन चौके सॉरी यार, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बारह में पांच और जोड़ दो, सत्रह हो गया। ओके, सत्रह में सत्रह और जोड़ो, चौतीस में आठ का भाग दो, आठ दूनी सोलह, आठ दिया आठ चौके, और आठ चौके कितना हो रहा है? बत्तीस। कितना शेष बचा? दो। वही तो राम है, दो अक्षर का प्यारा नाम। देखो ठीक है, राम मतलब हिंदी में शायद बोल रहे, बट थ्री माइनस वन भी हो सकता था। बट खाते हैं बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? हाँ, क्या विस्की है? किट। भाई अब मेरे को डर लग रहा है, मैं बहुत खाता हूँ बिस्कुट। विस्की किट, विस मतलब जहर, किट मींस बिस्किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। क्या? और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। हाँ, देखो बिस्किट बुरा होता है हेल्थ के लिए, मतलब मैदा वैदा वाले बिस्किट जो होते हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब जहर। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा दो प्रश्न है। मेरा पति ने वो जुआ खेलते है मोबाइल में। ओके। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है चार पाल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। Damn bro! कौन से स्टैंडर्ड में? 9th। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। अरे शीतल जी, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाय से चूचा मैं खुद ही से रूठा मैं। भाई ये तो दिल को छू गई। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सकल देखिए, बट जो लोग आते हैं वो बहुत फनी होते हैं। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो, और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है जी। अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। सॉरी, मेरे से थोड़ा बात करने नहीं हो रहा है मेरे को। लौंडा सेवेज है भाई, इश्क उम्र देख के थोड़ी होता है। इश्क करने की कोई उम्र होती? इश्क करने की कोई उम्र होती? आगे बताओ, मेरे को क्या मालूम। गुरुजी, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों? जैसे बर्फ ठंडी होती है। हाँ? क्यों? क्योंकि वो गिरती है ऊपर से, गर्म पानी। हाँ, बनता है।
ऐसी लहसुन प्याज निकलते हैं नीचे से, लहसुन निकल नीचे से निकलती है ना, और प्याज कहाँ से निकलती है? प्याज जमीन में से। हाँ, जैसे बर्फ ठंडी है, अब कोई पूछे क्यों ठंडी, भाई ठंडी है ऐसे ही है बेटा। आंसर चाहिए आंसर। लेकिन ये तो सही है कि बहुत सारे जगहों पर नहीं खाते, जो भी चीज जमीन के अंदर उगती है वो चीजें नहीं खाते, मूली वूली बहुत लोग नहीं भी खाते। नहीं ठीक है भाई, अपना अपना है, रिस्पेक्ट देम। अरे राधे गुरु जी जी, एक हमारी बहन की लड़की है। हाँ। वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है, वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरु जी। बात करा, क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? वचन कौन सा वचन बताओ? अच्छा मतलब वर्स वर्स वर्स, तो क्या वचन? हमें भी तो कुछ बताओ, कौन सा? जैसे हमारे इसमें अध्याय होते हैं शायद, ऐसा एक वर्स होगा, मैंने नहीं पढ़ी है बाइबल। सब अच्छा, क्या कहती है बाइबल? अरे दीदी एक चीज तो अच्छे से पढ़ लो, या तो बाइबल पढ़ लो या तो गीता पढ़ लो, कुछ तो अच्छे से पढ़ लो। बाइबल पढ़ रही हो भी याद नहीं। देखा आंटी बोल रही, इसलिए तो मना करते हैं पढ़ने से। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्यों? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया? अरे यार, तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? ये वाला बढ़िया था गुरु जी, ये बढ़िया था गुरु। ये मीम कितना सूट करता है। दीपक जी के बच्चे, आप बताइए ये पापा बिग बॉस में क्या लग रहा है आपको? आप एक्साइटेड हैं? हाँ। आप खुश हैं? बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्ल्स होती है। हाँ। क्या होती है? गर्ल्स। ये देखा था मैंने, पटा नाली। बाप रे, बच्ची को भरोसा ही नहीं अपने पापा। I love my daddy। बाबा किसी को पटा ना ले। अरे ये तो वही है जो बिग बॉस में, हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ गोरे बैठे, ये मैं माई भी हम देखा थी, व्हाट हमने कह दी हॉट। फ्लाइट की टिकट महंगी कर दो मोदी। देखो मैं मतलब कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा अगर कुछ बोलूंगा तो, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बट आपको जो समझना है समझो, आपको जो बोलना है इसके बारे में मेरे कमेंट में। मेरा कमेंट इज अ ओपन बुक, ओह माय लाइफ इज अ ओपन बुक, एवरीवन कैन टेक अ लुक। तो जो भी बोलना है कमेंट में बोलिए, मैंने मेन चैनल पे बोल दिया, इधर विवाद हो रहा है। अरे तो होएंगी ना ये। रजनी सर अच्छा ये रजनी सर नहीं थे, रजनी सर ने अपने जैसे ही सब बना के रखे, जैसे ओरी है ना, बहुत सारे मिनियंस है ओरी के सामने आजू बाजू, वैसे रजनी सर पहले एक बैकअप भेजते, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, किसी ने धक्का बिक्का मार दिया तो उसको ही मारे, भाई मेरे को ना मारे। वेरी स्मार्ट, ओनली रजनीकांत कैन डू दिस। बैंड इंडियन कमर्शियल। మన బలం నాగార్జునా సిమెంట్, నమ్మకం నాగార్జునా సిమెంట్, ప్రతి నిర్మాణం నాణ్యతగా నిలిచే నాగార్జున సిమెంట్. గాట్ నో చిల్స్ బై। ये कब आया था? डार्क एड्स कब से बनाने लगे हम? आपने शो पे ओपनली बोला कि पास्ट में आपने स्टेरॉइड यूज किया है, जिससे मैं देख सकता हूँ आपकी बॉडी तो अच्छी बढ़ी है, लेकिन लगता है काश दिमाग के लिए भी कोई स्टेरॉइड होता। वाओ भाई, लफड़ा सेंट्रल का एक और एपिसोड आ रहा है। एंड मैं अभी से बता दूं, थोड़ा सा नॉन फैमिली फ्रेंडली हो सकता है वो एपिसोड, ओके? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? बिकॉज हर एपिसोड का एक अलग फ्लेवर होता है। हाँ अभी बता दूं, बहुत सारे एपिसोड में कमेंट आते हैं, तगेश भाई आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करते गेस्ट को, क्यों करो भाई? क्योंकि ये एक शो के कंसेप्ट में है ही नहीं काउंटर क्वेश्चन करना। तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज एक्सपेक्ट मत करना आने वाले कोई भी एपिसोड में कि मैं गेस्ट को कोई काउंटर क्वेश्चन करूंगा, बिकॉज ये शो का फॉर्मेट नहीं है, ओके? एंड मैं कर सकता हूँ, देखो ऑनेस्टली, ठीक है चलो अभी एड्रेस कर ही देता हूँ, मैं कर सकता हूँ काउंटर क्वेश्चन। मैं गेस्ट को मतलब, क्योंकि मुझे पता होता है, मैं बैठा होता हूँ ना जब गेस्ट के सामने, पता होता है अरे ये तो फेंक रहा है, अरे ये तो झूठ बोल रहा है। बट अगर मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ या वहीं पे उसको ग्रिलिंग करने लगता हूँ, अगर गेस्ट बाय चांस उठकर चला गया, बोला ना ये नहीं करना है बाढ़ में जा, मैं तो वहां पे लाखों का प्रोडक्शन लेके बैठा रह जाऊंगा कि अब मैं क्या करूं।
तो ऐसा होता है कि हमेशा एक अलग स्टोरी होती है, वरना देखो मजा तो आएगा अगर मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा, गेस्ट रिप्लाई देगा तो मजा आएगा, बट वही है कि कोई गेस्ट, अगर आप सोचो कोई गेस्ट क्यों ही आएगा यहाँ पे जलील होने के लिए कि आ मैं आता हूँ तुम्हारे शो में, मेरे को जलील करो, मेरे को गलत प्रूव करो। और चलो ठीक है, मैंने कर भी दिया, अगले एपिसोड से भाई कोई आएगा ही नहीं शो पे, शो ही बंद हो जाएगा। आप सोच रहे हो मैंने जो 700 का खर्चा डाल के मैंने एक पूरा सेट बनाया, पूरा मेरा धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ एक क्रिएटर को पता होती है कि कैसा हो सकता है। एज एन ऑडियंस आई नो आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे तकेश भाई करो काउंटर क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल होता है ये सब करना। तो मैं ट्राई करता हूँ जितने हो सके ब्लंट क्वेश्चन उनसे पूछूं, बट फिर वो उनके हाथ में होता है कि वो कैसे रिप्लाई दे, एंड आपको पता चल ही जाता है ना, एंड ऑफ द डे आपको पता चल ही जाता है गेस्ट झूठ बोल रहा है। एंड मेरा वही है गेस्ट का माइंडसेट मेरे को दिखाना है कि हाँ ये बंदा ये क्वेश्चन पे कितना टेढ़ा जवाब दे सकता है। बाकी जैसे मैं बोला अगर काउंटर क्वेश्चन करना शुरू किया तो गेस्ट कोई भी नहीं आएगा शो पे, एंड शो ही बंद हो जाएगा। नाम का कुत्ता पालो साले, लफड़े वाली बात, लफड़े का नाम का कुत्ता पालो, लफड़ा सेंट्रल के नाम का कुत्ता पालो, तेरे नाम का कुत्ता पालो। अरे कितने कुत्ते पालोगे? तेरे नाम का कुत्ता पालो, अरे इसके नाम का कुत्ता पालो, अरे इसके नाम का कुत्ता पालो, अरे इसके। बहुत ट्राई किया कि ये डायलॉग बहुत हिट हो। पालो, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अरे बात के नाम का कुत्ता पालो, सारी पुलिस फोर्स से टक्कर, टक्कर के नाम का कुत्ता पालू। भाई ने पुलिस फोर्स नहीं बोला, अगर बोला होता ना पुलिस फोर्स के नाम का कुत्ता पालू, पिक्चर उस टाइम पे बैन हो जाती। स्मार्ट मूव मिथुन जी। मैं तो लड़कियों को बैंक बैलेंस, जेब देखनी चाहिए, ना के कपड़े। और शकल? शकल का क्या है, लड़के की शकल ना देखो, उसकी जेब और उसका घर देखो। ये चीज लेकिन ये हम जैसों के लिए काफी गलत बात हो जाएगी। नहीं मैं तो अपनी बेटियों की शादी, देखो जेब देखो, अगर लड़के खूबसूरत क्या ना, लड़का खूबसूरत अच्छा भी नहीं लगता। hey! पागल है क्या, लड़कियाँ खूबसूरत अच्छी जिंदगी शक्ल काले, बीवियाँ प्यारी होंगी वो अच्छी लगती है, देखो बीवी देखने वाली हो, शोहर का क्या उसकी कमाई अच्छी हो। वाह वाह दीदी वाह, यही कोई लड़का बोल दे कि लड़की तो खूबसूरत चाहिए, सिर्फ लड़की काम करने वाली चाहिए घर में, सब साले सब ट्रिगर हो जाएंगे। बेचारे हम मर्दों के साथ ही ऐसा होता है, सिर्फ पैसा जेब देखते। लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। अरे ये तो नीट 2024 बैच का लग रहा है। रोज का है, मरेगा ये, गिरने ये जाने वाला है रोड पे आगे। उसने छोड़ दिया, उसने लाइफ से उम्मीद छोड़ दी। ठीक है यार, गिरने दे यार, मरने दे यार, ऑलरेडी बहुत टेंशन है। वीडियो डिलीट, वीडियो डिलीट करके। युवराज जी क्रिंज हो गया यार। आपके गाड़ी में वार्निंग लाइट आ रही है तो भाई साहब एक मार्कर लीजिए, जहाँ पे वार्निंग लाइट आती है वहाँ पे बस मार्कर का पूरा ब्लैक मार्कर से लगा दे। अबे भाई ये आपको वार्निंग लाइट दिखेगा नहीं, बच के। ये क्या था भाई, मेरी भी गाड़ी में आती है। ये तो मैं हूँ भाई, मुंह खोलू नहीं के प्रॉब्लम शुरू होती है, वीडियो बनाऊ नहीं के प्रॉब्लम शुरू होती है, तो हमारी ही लाइफ है भाई। तो यहाँ पे कैंसर नहीं लिखा होगा, वो असली तंबाकू नहीं है, वो हम लोग नहीं खाते हैं। वो लोग बिना, बिना। एक मिनट रुको, मैंने अभी देखा ये अक्षय कुमार है, इधर शाहरुख खान है, हम लोग नहीं खाते हैं भाई। AI बहुत डेंजरस हो रहा है भाई, जिससे कैंसर होगा वही खाएंगे। अच्छा भाई ये क्या रियल अजय देवगन लग, जिससे कैंसर होगा वही खाएंगे। ब्रो मेड आमिर अनकंफर्टेबल। अंकल जी फ्रंट कैमरे से ले रहे, लंबा खींच गया वीडियो अंकल, बाकी तो ठीक है। मुझे लगा फोन लेने आ रहा है आमिर। बट ये अंकल भी बहुत सीनियर एक्टर है, पुराने एक्टर है, पुराने मूवीज में पुलिस विलिस का रोल करते थे, जेलर विलर कुछ तो करते थे मेरे को याद। ए!
भाई तेरे पास पैसा ज्यादा है या मस्ती ज्यादा है, क्या कर रहे है? जला देगा पूरा शहर, क्या स्टूपिड लोग है यार। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। पिछला मीम रिव्यू नहीं देखा यहाँ पे टैप करके देख लो, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @Mahesh Keshwala, ये मेरा इंस्टाग्राम है। यस 2 मिलियन करने के अपने को, तो अभी जाके फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे फटाफट। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।